भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जूनागढ़ से आ रहे हैं। जूनागढ़ से और आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारद्वाज है। अच्छा, और आपका मैडम? नैना बहन। और आप पिताजी क्या नाम है आपका? आप तो बहुत बढ़िया आदमी, उससे दोस्ती होगी थी मेरी आपसे। जानी जानी, हाँ जानी साहब जी। ये बेबी जो इसकी ट्रीटमेंट करेगी बच्ची का, आपका क्या नाम है? हाँ, हीरल बहन की ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर चल रही है। कितने महीने से चल रही है? 3 महीने से। हीरल बहन को अभी ट्रीटमेंट करने के बाद में क्या क्या फायदा हुआ, कैसा फायदा हुआ, आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है? हमें तो अच्छा लगता है और सुनने में फर्क पड़ता है। फर्क पड़ साहब, आप बताइए हीरल बहन को क्या फायदा हुआ? पहले से जो पहले काव नहीं सुनती थी, बिल्कुल नहीं सुनती थी, अब वो हम जो बोलते हैं कभी कभी वो कैचअप कर लेती है। हाँ, पर अभी भी सुनने में तो ठीक है, पर वो अपनी पुरानी बातों में अभी भी रहती है। उसके चेहरे मेरे से लगता है कि दवाइयों की बहुत जरूरत है इसको। अच्छा, अभी ये बात कर लेती है, सुन लेती है, पहले से फर्क जरूर है। अच्छा सर, ऐसा है कि हीरल बहन गिर गई थी ना? हाँ। कितने वर्ष की थी तब गिर गई थी? कितने वर्ष की? 20 वर्ष। ओ, 20 वर्ष की तब गिर गई थी। अभी कितने वर्ष की है ये? 28 वर्ष। 8 वर्ष तक उसको बिल्कुल बहरापन रहा, कुछ नहीं सुनती थी। 8 वर्ष तो किसने कुछ नहीं सुना ना? नहीं। और 8 वर्ष के बाद में अब ये सुन सकती है। हाँ। हीरल बहन बराबर है। हीरल बहन कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अभी फिर पढ़े हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक सर, अभी सुनिए सर, मैं अभी हम लोग बड़ी मेहनत करने वाले हैं, केस छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि हीरल बहन को बहरापन जन्म से नहीं है, चोट के बाद में आया हुआ बहरापन है। तो उसकी नसें चालू होगी, थोड़ी दूसरे डेवलपमेंट की भी जरूरत है इसको। इसका चेहरा मेरा, आंखें, अभी सब कुछ बाकी है काम करने में। हाँ, मेहनत करिएगा सर, बहुत खुशी हुई है। आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बढ़िया रिव्यू दे रहे हैं, सच बता रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। एक बच्चा जो 8 वर्ष तक नहीं सुनता था, पहली दफ़ा सुन रहा, बहुत बढ़िया बात है। खूब खूब आभार आपका सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। सामान्यतः आपकी यहाँ जो होती है, जब हमारे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में जब सब कुछ ठीक चलता था तो पेशेंट को 3-4 घंटे के लिए यहाँ बुलाते थे। 1 घंटे में एक कान रेडी, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी। कान में डालने की दवाई होती है, खाने की दवाई होती है, और उसी से हम बहरापन मिटाते हैं। और उसी के वीडियो यूट्यूब गूगल पर डाले हुए हैं, वही की वही सारी ट्रीटमेंट आपको हम घर बैठे भिजवा रहे हैं, और आपको वीडियो के द्वारा भी समझाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाली थी वही ट्रीटमेंट आपको घर पर मिलेगी, फिर क्या चिंता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको कोरियर से दवाइयाँ टाइम पर मिल जाएगी और इंश्योर्ड दवाइयाँ मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आने का आग्रह न रखें, समय बहुत कठिन खराब है, समय का सामना करो, आजकल वातावरण बहुत खराब है। प्लीज़ आने के अलावा दवाइयाँ घर बैठे मंगाइए। यदि ज़्यादा अविश्वास हो तो अभी मत मनाओ, बाद में करवा लेना, जब ठीक आपको लगे वातावरण ठीक हो गया, 6 महीने 12 महीने के बाद में आ जाना। कान को ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आजकल महामारी हो जाएगी, कुछ ही नहीं होने वाला है। आपको ट्रीटमेंट करानी है, घर बैठे दवाइयाँ मंगाओ, ट्रीटमेंट कराओ, दवाई ही है। दवाई देखिए, कान में खाली दवाई नहीं है, दवाई है, एक्सरसाइज है, थेरापी है, कपड़ थेरापी है, पॉइंट है, और मन थेरापी है, और आपके सिस्टम है उसकी, उसका वो क्या बोलते हैं, उसके विधान है, उसका समय है। उसके बाद में कान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ है, अलग अलग विषय पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाई गई है। कम सुनने वाले को बेसिक सुनने वाले, सुनने के साथ में पेट की दवाइयाँ दी जाती है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, पेट में दर्द है, पेट में नहीं है, टीनिटस है, कान में चक्कर आ रहे हैं, और सुनाई कम दे रहा है, आवाज़ें आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार असारा में क्या करूँगा। उन सब की बहुत सरल दवाइयाँ मित्रों, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सत्य कह रहा हूँ, कोई असत्य नहीं। आज की बात नहीं, बरसों से कर रहे हैं। यदि किसी को तकलीफ हो, ज़्यादा हो, तो वापिस संपर्क करो यार, हम तो आपके मदद में बैठे हुए हैं। हमने तो सिर पे कफन बांध के बैठे हुए हैं कि हमारा कोई भी काम होगा वो जीवन मरण केवल कान के बहरापन मिटाने के लिए, कान की बहरापन की ट्रीटमेंट करने के लिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन से कान के लिए ही समर्पित है।